इधर महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आप महाराष्ट्र में कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो आपका क्षेत्र हो वहीं से लाइसेंस बनवाया जाए। इसके लिए आपको उस जगह का रेजिडेंट सर्टिफिकेट और आधार की कॉपी जमा करानी होगी। लेकिन अगर आप लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहते हैं तो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपने लाइसेंस एक्सपायर होने के एक साल के अंदर रिन्यू नहीं कराया तो आप फिर से लर्नर हो जाएंगे, क्योंकि आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यानी आपको फिर से कंप्यूटराइज्ड लर्निंग टेस्ट देना होगा, सारे कागज फिर से जमा कराने होंगे। पहले ये अवधि 5 साल की थी।